हाय एवरीवन, आज हम बहुत ही टेस्टी मज़ेदार कुरकुरा नाश्ता की रेसिपी लेके आए, जो बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी है। कोई भी टाइम बना के खा सकते हैं। अब चलिए देर की इस बात की नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कप चावल का आटा और एक कप झाज ले लिया है। अगर आपके पास झाज नहीं है तब दो चम्मच दही ले के फैट के पानी मिला के ले सकते हैं। अब हम गैस पर चलते हैं। गैस पे पैन चढ़ा दिया है, एक चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। जीरा चटक गई है, थोड़ी सी अदरक, दो हरी मिर्च कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। भून लिया है, एक आलू को ग्रेट करके ले लिया है, वो डाल देंगे। आलू को एक मिनट के लिए भून लेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। आलू को एक मिनट के लिए भून लिया है, आलू भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। अब जो झाज लिया है वो डाल देंगे, लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो झाज हमारी फट जाएंगे। झाज को डाल के इसी तरह से चलाते रहना है जब तक बॉयल ना आ जाए। अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, हमारी कैमरा ऑफ रह गई थी। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी नमक और हरा धनिया चावल के आटा डाल के मिक्स कर लिया है। देखिए एक डो के फॉर्म में लाना है। गैस का फ्लेम लो करके रखा है। देखिए डो हमारी बिल्कुल रेडी है। यह अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा करके ले लेंगे। डो को प्लेट में निकाल लिया है, थोड़ा सा ठंडा हो गई है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, चावल का आटा है टाइट हो जाएंगे। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और कुछ सेकंड के लिए मसल के ले लेंगे। मसल के ले लिया है, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, थोड़ा सा पोषण ले लेंगे। इस तरह से हाथों के अंदर दबा लेंगे और गोला करेंगे, इस तरह से लंबाई में ले लेंगे। आप अपना मनसा शेप दे सकते हैं। चम्मच ले लिया है, इस तरह से दबा लेंगे। इतनी बढ़िया डिज़ाइन आई है, इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। सभी नाश्ता को रेडी करके ले लिया है, अब हम गैस पे चलते हैं। पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। ऑयल का अच्छी तरह से गर्म करके ही ले। अब हम डाल देंगे, डाल दिया है, एक साइड सिकने देंगे। गैस का फ्लेम हाई करके ही सेकना है। एक साइड सिक गई है, अब हम पलट लेंगे। पलट लिया है, इसी तरह से अलट पलट के कलर चेंज होने तक सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके सेकेंगे, अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाए। इस नाश्ता को कोई भी टाइम बना सकते हैं, सुबह शाम छोटे मोटे भूख में मेहमान आ जाए तो भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और सबको पसंद आने वाली है। बहुत ही चटपटा मज़ेदार कुरकुरा नाश्ता है, बनाना भी बहुत ही आसान है। देखिए नाश्ता हमारी सीख गई है, कलर भी कितनी बढ़िया आई है। अब हम निकाल लेंगे। देखिए पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है। सभी को इसी तरह से रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है, खाने के लिए कितनी बढ़िया बनी है। देखिए कितनी क्रिस्पी बना है, देखिए ऊपर से क्रिस्पी अंदर सॉफ्ट है। इस तरह से सॉस के साथ खाइए, खाली खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाना बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूँ आपके नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं। बाय।